वन बाउल आटा, टू टीएसपी बेसन, वन टीएसपी सूजी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें घी डाल के मोयन हमें अच्छे से देना है। थोड़ा और घी डालेंगे। और अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से बाइंड हो गया है हमारा आटा। ये एक कप पानी लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा डाल के और सन लेंगे। हमारा डो रेडी है। अब इसे हम मुठिया बना लेंगे ऐसे करके। पैन गरम करके इसमें हम घी डालेंगे। आप चाहे तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ घी का यूज़ कर रही हूँ। हमारा घी गरम हो गया है। धीमी धीमी आंच में इसे हम सेक लेंगे। ये पलटते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। हमारे मुठिया एकदम अच्छे से सिक गए हैं, उन्हें हम निकाल लेते हैं। ये थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये ठंडे हो गए हैं। इलायची के दाने छिलके हम इसमें घेर देंगे। आइए अभी इनको हम पीस लेते हैं। इसको मैंने एकदम अच्छे से पीस लिया है। हाथ से अच्छा कटे बादाम, थोड़ी सी जायफल इसमें घसेंगे। देखिए बस इतनी सी मैंने घसी। अच्छे से मिला लेंगे एक बार फिर। अब इसमें हम घी मिलाएंगे। आइए अब लड्डू तैयार करते हैं। थोड़ा खसखस लेकर इसे हम पिस्ता से गार्निश करेंगे।